जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, जोड़ों का दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। काफी समय से बैठे रहने से, सफर करने से या उम्र बढ़ने से हमारे घुटने अकड़ जाते हैं या दर्द करने लग जाते हैं, जिसे हम जोड़ों का दर्द या जॉइंट पेन कह सकते हैं। जोड़ों का दर्द दो प्रकार का होता है, ऑस्टियो और रूमेटॉइड। कभी कभी घुटनों में दर्द की वजह से पूरा पैर दर्द करने लग जाता है। जोड़ों का दर्द हमें पैरों के घुटनों, कोहनियों, गर्दन, बाजुओं और कूलों में हो सकता है। जब किसी जोड़ में उपस्थिति भंग हो जाती है तो हड्डियाँ एक दूसरे से रगड़ खाने लग जाती हैं। इससे सूजन, दर्द और ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। तो इसके उपचार के लिए आपको क्या करना है, जरा देख लीजिए। हल्दी और अदरक की चाय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी और अदरक दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और ये दोनों हमें जोड़ों के दर्द से छुटकारा देते हैं। इसको उपयोग कैसे करना है, 1/4 चम्मच अदरक का पाउडर ले लीजिए, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर ले लीजिए और आप मीठे की जगह शहद का सेवन कीजिए। शहद मिला सकते हैं आप चाहें तो, विधि देख लीजिए। 2 ग्लास पानी को उबाल लीजिए और उसमें 1/2 चम्मच हल्दी और अदरक पाउडर डाल लीजिए और इस मिश्रण को 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें शहद भी डाल सकते हैं और आप इस काढ़े का दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा। मालिश कर सकते हैं अपने जोड़ों की। मालिश करने के लिए आप लहसुन के तेल और सरसों का तेल और नारियल के तेल को हल्के हाथों से आप दर्द वाली जगह पर मालिश कीजिए, आपको बहुत आराम होगा। ये तीनों चीजें जरूर मिलाकर आपको करनी है। आप खाली लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे जरा देख लीजिए। लहसुन की 10 कलियों को 100 ग्राम पानी एवं 100 ग्राम दूध में मिलाकर पकाएं। पानी जल जाने पर लहसुन खाकर दूध पीने से दर्द में लाभ होता है। विधि देख लीजिए कैसे करना है। 250 मिलीलीटर दूध लीजिए, उतने ही पानी में 2 लहसुन की कलियां ले लीजिए, 1-1 चम्मच सौंठ और हरड़ तथा 1-1 चम्मच दालचीनी और छोटी इलायची डालकर आप इसे पकाएं। पानी जल जाने पर वही दूध आपको पीना है। दूसरा प्रयोग है, लहसुन की 2 कलियां रोज सुबह खाली पेट खाएं। सरसों के तेल में लहसुन की कलियां डालकर भून लें और दिन में 2 बार प्रभावित हिस्से पर लगाएं तथा मालिश करें। इस विधि से आपको बहुत लाभ होगा। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।